हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द इंग्लिश लिटरेचर बुक ऑफ स्टैंडर्ड 2। द नेम ऑफ द बुक इज मैरी गोल्ड एंड वी विल बी डूइंग द यूनिट 6 ऑफ दिस बुक। ऑलरेडी वी हैव डन यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड टुडे वी विल बी डूइंग यूनिट 6। दिस यूनिट ईच यूनिट कंसिस्ट ऑफ मेनी चैप्टर्स। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 6 इज अ पोएम एंड वी विल रीड द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज मिस्टर नोबडी। I know a funny little man as quiet as mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ठीक है, इस पोएम में यह बता रहे पोएट कि हम लोग मैं जानता हूँ एक मज़ेदार छोटे से आदमी को जो कि बहुत ही शांत है, बिल्कुल एक चूहे के जैसा। जैसे चूहा बिना आवाज़ के शांति से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ जाता है ना, तो ये मिस्टर नोबडी जो है वो भी ऐसे ही है, पूरे शांत है ये फनी लिटिल मैन चूहे के जैसे। और जितनी भी घर में शैतानी होती है, मिसचिप्स होती हैं, वो सबके घरों में, किसी के भी घरों में जितनी भी शैतानी होती है वो इन्होंने ही किया है। और वो कौन करेगा, वो यही करते हैं। किसी ने इनका चेहरा आज तक नहीं देखा, फिर भी हम सब ये मानते हैं कि हर एक कांच का प्लेट जो हमारे हाथों से गिर के टूट जाता है वो सब में क्रैक क्यों, कौन लाया था? यही मिस्टर नोबडी। वो सबको पहले से क्रैक करके कौन रखा था? मिस्टर नोबडी। इसलिए जैसे ही हमने उठाया वह प्लेट गिर कर टूट गया। ठीक है, तो ये मिस्टर नोबडी है जिन्होंने ये सब कुछ किया, करते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये मिस्टर नोबडी कौन होंगे? ये मिस्टर नोबडी घर के छोटे बच्चे होते हैं जो शैतानी करते हैं, प्लेट्स क्रैक करके छिपा के रख देते हैं और ये छोटी मोटी शैतानियाँ करते रहते हैं। ठीक है, ये घर के छोटे बच्चे होते हैं मिस्टर नोबडी। अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर तो कर लिया, अब हम लोग इसका सेकंड चैप्टर करेंगे यूनिट 6 का। ठीक है, तो यूनिट 6 का सेकंड चैप्टर क्या है? वो भी एक पोएम है। I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you're not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. देखिए, zigzag line कैसा होता है? एक होता है स्ट्रेट लाइन और zigzag ऐसे 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 वी शेप, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा लाइन, उसको zigzag line बोलते हैं। तो ये पोएम का नाम है द जिग जैक बॉय। एक छोटा, मैं जानता हूँ एक छोटा लड़का है, जिग जैक बॉय जो है कभी इस रास्ते चलता है, कभी उस रास्ते चलता है। उसका कुछ ठिकाने नहीं हुआ किस रास्ते जाएगा। वो कभी नहीं जानता है कि उसने अपने कोट को उतार के कहाँ रखा, अपने शूज़ को कहाँ रखा, अपने हैट को कहाँ रखा। वो कहीं भी फेंक देता है इधर उधर। अगर तुम एक जिग जैक बच्चे नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है कुछ कहने के लिए कि तुम ये भूल गए, वो भूल गए, ये तुम्हारे जूता कहाँ है, तुम्हारे कोट कहाँ है, तुम्हारे शूज़ कहाँ है, ये सब बोलने का तुमको कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छे से पता होगा कि तुम्हारे सामान कहाँ रखे जा रहे हैं या तुम कहाँ रख रहे हो अपने सामान को सही जगह पे। ठीक है, अगर तुम एक zigzag boy हो तब तो तुमको कुछ नहीं पता होगा, और zigzag boy नहीं हो, zigzag child नहीं हो, तो तुमको अच्छे से पता होगा कौन सा सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, ये स्टोरी क्यों बनाया गया है? वो बच्चों के लिए जो अपने सामान अच्छे से नहीं रखते हैं, उनके लिए स्टोरी बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये यूनिट 6 का ही नेक्स्ट है, कर्ली लॉक्स इन द 3 बियर्स। ये एक स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। शी सॉ अ कॉटेज। Is anybody in? She asked. There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. Curly Locke went in. She wanted to see who lived there. ठीक है, एक बार एक छोटी लड़की होती है, उसका बाल पूरा कर्ली कर्ली होता है ना, कर्ली बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। उसका नाम क्या था? कर्ली लॉक्स था। एक दिन वो जाती है जंगल में, उसी घर के पास जो जंगल होता है वहाँ जाती है। वहाँ पर वो क्या देखती है कि एक कॉटेज है। ठीक है, एक छोटा सा घर बना हुआ है वह देखती है। फिर वह पूछती है, कोई है घर के भीतर? अंदर कोई भी नहीं था।
अंदर किसका फैमिली रहता था, बियर का फैमिली, भालू का फैमिली रहता था, और वो लोग वॉक करने के लिए बाहर चले गए थे, कोई भी घर में नहीं था। कर्ली लॉक्स अंदर गई क्योंकि वो देखना चाहती थी अंदर कौन रहता है। शी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज इन द टेबल, देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, ए मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल, इट वॉज वेरी हॉट। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, इट वॉज टू कोल्ड। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। ठीक है, अब जो है कर्ली लॉक्स जब उस घर के भीतर गई यह देखने के लिए, वो देखना चाहती थी कि यहाँ कौन रहता है, तो वहाँ पे उसे तीन बाउल रखा हुआ दिखाई दिया। हाँ, तीन बर्तन रखे हुए दिखाई दिए जिनमें क्या भरा हुआ था, पॉरिज भरा हुआ था। और वो तीनों बर्तन कहाँ रखे हुए थे, टेबल पे रखे हुए थे। एक जो बड़ा वाला बाउल था वो पापा बियर के लिए था, जो मिडिल साइज़ का बाउल था वो मम्मा बियर के लिए, और छोटा सा टाइनी लिटिल बाउल था वो बेबी बियर के लिए था। कर्ली लॉक्स को बहुत भूख लगी थी, वो पॉरिज सारा बड़े वाले बाउल से, पापा बियर वाले बाउल से खा ली। ठीक है, वो बहुत गर्म था, और वो बहुत गर्म था, उसके बाद उसकी इससे खा ली, मिडिल साइज वाले बाउल से खा ली। ठीक है, पहले पापा बियर वाले बाउल का पॉरिज खा ली जो कि बहुत गर्म था, फिर मिडिल साइज वाला मम्मा बियर वाले बाउल का पॉरिज खाई, वो इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। फिर वो टाइनी लिटिल बाउल जो छोटा वाला था उससे खाई, वो बिल्कुल सही था, ना बहुत हॉट था ना बहुत कोल्ड था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज, देन शी वेंट टू द बेडरूम, देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, ए बेड, ए मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर टेडी बियर, फॉर बेबी बियर। कर्ली लॉक्स सारा पॉरिज खा ली, फिर वो बेडरूम में गई। बेडरूम में देखिए एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था, पापा बियर सोएंगे उनके लिए, और एक मिडिल साइज़ का बेड था, एक बड़ा बेड था और एक मिडिल साइज़ का बेड किसके लिए था, मामा बियर के लिए था, और एक छोटा सा बेड किसके लिए था, बेबी बियर के लिए था। ठीक है, इस तरह तीन बेड वहाँ पे लगे हुए थे। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, द बियर फैमिली केम बैक, समबडी एट माई पॉरिज, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग रफ वॉयस, somebody ate my porridge too, said mama bear, somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice, the bear family went to the bedroom, somebody slept in my bed, shouted papa bear in his big gruff voice, somebody slept in my bed too, said mama bear, somebody sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. Curly locks woke up, she saw the three bears, she jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. theek hai, तो जब बियर फैमिली आ गया, उन्होंने देखा कि किसी ने उन सबका पॉरिज खा लिया था, जो पापा बियर थे वो अपने बिग ग्रफ वॉयस में, ठीक है, अपने जोर की आवाज़ में, मोटी आवाज़ में उन्होंने कहा कि अरे कोई मेरा पॉरिज खा गया। मामा बियर बोली हाँ मेरा भी खा गया, और जो बेबी बियर था वो अपने हल्के से आवाज़ में, बच्चे जैसे आवाज़ में उसने कहा मेरा भी कोई खा गया। ठीक है, फिर जब वो लोग बेडरूम गए तो पापा बियर बोले अपने जोर की आवाज़ में, भारी आवाज़ में, पापा बियर क्या बोले, कोई मेरे बेड पे सोया था। फिर उसकी मम्मी बोली हाँ कोई मेरे बेड पे भी सोया था, और जो बेबी बियर था वो टाइनी बच्चे जैसे आवाज़ में उसने क्या कहा कि जो है मेरे भी बेड पे कोई सोया था। ठीक है, मेरे बेड पे कोई सो रहा है, उस टाइनी बियर मतलब छोटे बियर ने, बच्चे लिटिल बियर ने अपने बच्चे जैसे आवाज़ में कहा कि कोई मेरे बेड पे अभी सो रहा है। उसी वक्त जो है कर्ली लॉक्स की नींद खुल गई, उसने तीन बियर को देखा और बेड से पूरा जंप कर गई और कॉटेज से बाहर भाग गई जितनी जल्दी वह भाग सकती थी। ठीक है, ये कहाँ से दिया गया है, ये जो गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर जो स्टोरी है उसी स्टोरी से निकाल के ये पार्ट को यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है। अच्छा स्टोरी था ना, बच्चों को पसंद आया ना। आपका इस तरह यूनिट 6 एंड हो गया। आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें।